हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीके बूटीज कुकिंग शो। तो फिर से एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिली पोटैटोज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी चटपटा स्नैक्स डिश है, जो कि खाने में बहुत ही शानदार लगती है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते आज की ये चटपटा रेसिपी। तो सबसे पहले हम आलू को लंबे लंबे आकार में काट लेंगे। तो चलिए, सो फ्रेंड्स, आलू को हम लंबे लंबे शेप में काट लिए हैं। अब इसे हम दो तीन पानी ठंडे पानी से इसे हम वॉश करेंगे। वो इसलिए कि इसमें जो आलू में स्टार्च पाया जाता है, इसे हमें अच्छे से धो के निकाल लेना है, ताकि हमारा जो भी इसको हम फ्राई करें तो एकदम कंटीन्यूअस होगा उसमें। अगर स्टार्च रह जाएगा तो कंटीन्यूअस थोड़ा कम होगा। तो इसे हम दो तीन पानी धोते हैं, फिर मिलते हैं। आलू को फ्रेंड्स दो तीन पानी हमने वॉश कर लिया अच्छे से, इसका स्टार्च अच्छे से हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम दो तीन चम्मच अरारोट ऐड करेंगे। इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। अरारोट को फ्रेंड्स इसमें हमने मिला लिया है। अब इसमें हम ऑयल गर्म हो गया है, इसे हम तलेंगे। इसको मीडियम फ्लेम में फ्रेंड्स हम तल लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम आलू को एकदम ब्राउन फ्राई कर लेंगे, एकदम क्रंची करके, ताकि चिली पोटैटोज़ में बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। तो फ्रेंड्स ये एकदम ब्राउन हो गया है, एकदम क्रंची हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। बचे हुए आलू को भी हम इस प्रकार फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आलू की फ्राई की जो प्रोसेसिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, जिसमें हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे, एक लटपटा सा स्पाइसी ग्रेवी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैन से ऑयल हम कम कर दिए हैं, और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच बड़े ऑयल हमने रखा है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कटी हुई। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, जिससे अदरक लहसुन का बहुत अच्छा एकदम फ्लेवर आता है चिली पोटैटोज़ में। अब हम ऐड करेंगे प्याज। साथ में ही ऐड कर देंगे कैप्सिकम, जो कि हमने स्लाइस स्लाइस कट कर लिया हुआ है। प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो चुका है। इस स्टेज में हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ मसाले, वो इस प्रकार है। 1/2 चम्मच हम यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे, बस फ्रेंड्स। और हम यहाँ पे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/2 कप के बराबर।
अब ऐड करेंगे हम सॉस। तो हम 2 चम्मच यहाँ चिली सॉस ऐड करेंगे। एक से डेढ़ चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच टोमेटो केचप। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करेंगे, 1 चम्मच। सॉस ऐड करते ही फ्रेंड्स इसमें एक बहुत बढ़िया थिकनेस आ जाती है। आप इस स्टेज में अजीनोमोटो भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने अजीनोमोटो को स्किप कर दिया। कहते हैं कि अजीनोमोटो बहुत गर्म तासीर की होती है, वो एक चाइनीज़ सॉल्ट होती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया। आप चाहे तो उसे ऐड कर सकते हैं। अब फाइनली फ्रेंड्स इसमें हम फ्राई किए हुए आलू को ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को कर देंगे एकदम लो। इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर का हमने घोल तैयार किया हुआ है, 1-2 चम्मच यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स चिली पोटैटोस बन के रेडी है। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। कलर भी बहुत बढ़िया आया है, एकदम लाजवाब लग रहा है। सो फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब लग रहा है आज की हमारी चिली पोटैटोस, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग। इसको हम टेस्ट करते हैं। ये है फ्रेंड्स, लाजवाब। हर चीज परफेक्ट है फ्रेंड्स। हमने इसमें अजीनोमोटो नहीं डाला तो ऐसा फील नहीं हो रहा है, एकदम भरपूर स्वाद आ रहा है, हर चीज का एकदम परफेक्ट स्वाद आ रहा है। और जो हमने आलू को फ्राई करते समय कंटिन्यूस किया था उसका मज़ा तो भरपूर आ रहा है कि आलू में एकदम कंटिन्यूस है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने अपने कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहिए। केयर, बाय बाय, विल मीट अगेन वेरी सून विद नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।